अच्छा जी, बड़ी चंगी खबर आ रही है जी। देश तो बाहर जिहड़ा अंबेदकर जी दी जिहड़ी सब तो वड्डी प्रतिमा जिहड़ी आ उहदा उद्घाटन होया आ, ते इहनूं स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी का नाम दिता गया आ। ते कार्यक्रम दे विच 500 भारतीय मूल दे जिहड़े लोग शामिल होए। मैं पहला भी एक बारी खबर पाई सी जी जदों इह जिहड़ी तैयारी चल रही सी। सो वाशिंगटन दे मैरीलैंड दे विच डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी दी 19 फुट दी मूर्ति का उद्घाटन होया। वाशिंगटन दे विच भारत दे संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी दी 19 फिट दी जिहड़ी मूर्ति का जिहड़ा उद्घाटन होया। देखो दोस्तों, इदां हुंदा आ कि इह इक उहनां नूं जिहड़ी उह श्रद्धांजलि रिस्पैक्ट हुंदी आ, लेकिन जिहड़े इदां दे महान लोग हुंदे आ सानूं इहनां नूं हमेशा दिल दे विच रखणा चाहीदा आ। और इहनां दे जिहड़े जिहड़े इहनां ने सानूं नक्शे कदम जिहड़े उह दस्से हुंदे आ उहदे ते सानूं चलण दी कोशिश करनी चाहीदी आ। ये देश तो बाहर उन्होंने सब तो वड्डी प्रतिमा आ वाशिंगटन दे मैरीलैंड दे विच जदों ये उद्घाटन होया, लगभग 500 तो ज़्यादा भारतीय मूल दे लोग जिहड़े उत्थे सीगे ते उन्होंने जय भीम दे जिहड़े उत्थे नारे लगाए। बारिश हो रही सीगी लेकिन लोग फिर भी जिहड़ा उह 10 घंटे तक का सफ़र तय करके इत्थे जिहड़े उह शामिल होण दे लई आए। सो अंबेदकर दी जिहड़ी प्रतिमा नूं मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया आ। इस तों पहलां और दुनिया की सब तो वड्डी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना चुके हैं। सो इस जिहड़े उद्घाटन के उत्ते PM मोदी ने भी जिहड़ियां वो शुभकामनावां भेजियां, ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिहड़ा वो अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण के उपर प्रधानमंत्री मोदी जी का जिहड़ा वो मैसेज शेयर किया। सो उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के अनुयायियों ने एकजुट भारत की नींव ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के विच रखी आ। ते तुसी जाके जी जरूर देखियो, ते बहुत ही जिहड़ा वो माण वाली गल आ, चंगी गल आ। सो जरूर जाके जिहड़ा वो इस खबर नूं भी देखियो, ते जिहड़ी इह मूर्ति लगी आ उहदे भी जिहड़े तुसी दर्शन जरूर करियो।